नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये मेरा लकी बैम्बू का पौधा है और मैंने अभी अभी इसे रिपोर्ट किया है और इसमें हम पानी डाल के चेक कर रहे हैं कि इसका पानी पॉट से पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसलिए इसकी मिट्टी हमें ऐसे पॉट को तैयार करना है ताकि पॉट जो है एकदम वेल ड्रेन हो और उसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पानी बहुत अच्छे तरीके से इसमें से निकल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे मैंने उसे रिपोर्ट किया है। ये मेरा लकी बैम्बू का पौधा है जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जब मैंने इसे लगाया था तब का वीडियो। तो ये जो पॉट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिए ये कुछ इसके स्टिक येल्लो येल्लो हो गए हैं। ये मतलब कि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, एक सारे को मारना फिर शुरू कर देगा। तो अभी ही हमें इस येल्लो वाले जो पीला हो गया है इसका स्टिक, इसे हम निकाल देंगे, नहीं तो इसके कारण सारा स्टिक आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे अच्छे से हम एक बार ऐसे किए, देखिए इसका मिट्टी कितना अच्छा से, इसका रूट बहुत ही हेल्दी है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। जो इसका स्टिक ख़राब हुआ है, येल्लो हो गया है, इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए ये ख़राब हो चुका है और अगर मैं इसे अभी नहीं निकालती तो ये पूरा बंच ही इसका ख़राब हो जाता। तो ये देखिए हमने अच्छे से निकाल दिया है और इसके लिए मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, जिसमें गार्डन सोइल है, कोकोपीट है और कुछ सिंडर के टुकड़े हैं, कुछ कोको चिप्स भी हैं और इन सबों को मिला के रख लिया था। पॉट जो हम इसके लिए चुनेंगे तो उसमें अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से होल है इसमें और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं और ये बचा हुआ जो रेत है, ये कोको चिप्स है और इस सब का यूज़ करेंगे तो पॉट को हमें वेल ड्रेन बनाएगा। ये देखिए ये कोको चिप्स जब हम इसमें डालते हैं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी हमारी पूरी बाहर नहीं निकलेगी और दूसरा मॉइस्चर भी इसमें बना करके रखेगा। तो हमारा दो काम ये कर देगा कोको चिप्स और ये बहुत ईजीली मिल जाते हैं। और ये देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बहुत ही एकदम वेल ड्रेन है मिट्टी हमारी। तो इसे हम आधा भर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्लांट को रखेंगे। देखिए प्लांट को इसमें बीच में अच्छे से सेंटर में रख देंगे और रख करके चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे। और वो देखिए मैंने येलो वाला स्टिक निकाल दिया था, निकालने के बाद वो जो लाल रंग का धागा था उसे मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि प्लांट अभी बहुत छोटा है, अगर हम उसे खोल देंगे तो ये बिखर जाएगा, तो थोड़ा ठीक रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए बचे हुए कोको चिप्स के साथ बालू और जो गार्डन सोइल सिंडर ये सारे कुछ थे उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम इसमें भर देंगे। इसे भरने के बाद थोड़ा इसे डैप करेंगे या हाथों से दबा देंगे ताकि इसके बीच में कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। अगर आपके बैम्बू में कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या कुछ आपका बैम्बू ख़राब हो रहा है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भर दिया है, भर के मिट्टी को दबा दिया, डैप भी कर दे रहे हैं, बिल्कुल भी एयर पॉकेट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।